डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, फ्री क्लासेस यानी वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स के लिए चैनल बना दिया गया है, आज ही सब्सक्राइब करें। लिंक आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लाइव टेस्ट के शौकीन हैं, अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। कहाँ? तो वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पर। इसे भी सब्सक्राइब करें बच्चों। आप बैंक की तैयारी करिए, एसएससी की करिए, रेलवे की करिए, धुआंधार लाइव टेस्ट दीजिए। तो आज इनिशिएट क्या है? सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा फर्स्ट इन इंडिया मेल पर्सनैलिटीज, पुरुष व्यक्तित्व। ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास मिल जाएगा। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। फिर मैं आऊंगा फीमेल पर्सनैलिटीज, महिला व्यक्तित्व, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंडिया से बाहर ले चलेंगे आपको और देखेंगे वर्ल्ड में, वहां भी मेल फीमेल को बांटने का प्रयास करेंगे ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। कैसा लगा ये इनिशिएट? क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अनछुए प्रश्न है, जो आपको गाहे बेगाहे एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। अगर ये इनिशिएट अच्छा लगा हो बच्चों तो दिल से लाइक करना और कमेंट्स कर दो यार। पता 1000, 1500, 2000, 3000 देखते हो, कमेंट्स नहीं करते हो। कमेंट्स करने में क्या जाता है, हम वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट्स कर देंगे, नाइस नाइस सर, अच्छा लगा सर, गुड सर। पता उससे ना हमें ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलता है। चलिए तो देखिए क्या है। सबसे पहले आज शुरुआत करें धीमे धीमे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने लगातार 2 टर्म पूरा किया, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 टर्म पूरा किया है, 1952 से लेकर 1962 तक। 50 में बनते हैं लेकिन इलेक्शन हुआ ना 1952 में। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी, 14 नवंबर, बाल दिवस, डायबिटीज अवेयरनेस डे भी कहते हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पद के रूप में सुशोभित होने वाले हमारे नेहरू जी हैं। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, 1913, किसके लिए? गीतांजलि के लिए, यानी लिटरेचर के लिए। किसके लिए बच्चों? साहित्य के लिए, जिन्हें गुरुदेव कहते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फाउंडर की बात करेंगे तो सर एलन ऑक्टेन झूम, एओ झूम, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी। इससे पता है आपको यह समझ में आएगा कि सर ये किस ईयर में बने थे, उसका वर्ष बता दीजिए, कहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो सब अपने पुराना चिट्ठा खोल दो, जितना मैं पढ़ा चुका हूं आपको, रिविजन मारो। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले राष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल में मृत्यु हुआ है। द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 के एक्ट के तहत। द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग, 1858 के एक्ट के तहत। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया आजाद होता है तो पहले गवर्नर जनरल या वायसराय माउंटबेटन होते हैं पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल, जो मैं कई बार आपको क्वेश्चन के फॉर्म में फंसा चुका हूं, जहां पहले लिखा और आखिरी लिखा, भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये 10 पॉइंट आपको मिले। अब आज से एक श्रृंखला चल पड़ा है, नोट डाउन कर लीजिए, 9th of April, जिससे आपको सुविधा होगा नोट्स को बनाने में, नोट्स को बनाने में, ठीक है। कैसा लगा ये इनिशिएट रोहित सर का, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जहां भी हैं आप, चाहे टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, हमारे FB पेज पे हो, या मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए,
ठीक है। और कल से यानी 10 अप्रैल से कंप्लीट कोर्स डीआरडीओ के लिए लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं यार कोई बच्चा ना छूटे, 11 बजे टाइमिंग रखी गई है इसकी, तो बिल्कुल जुड़िए, यूज करिए कोड बाबाटेन। कैसे कैसे जुड़ना है बच्चों, सिंपल सा, क्या अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। ये इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल डीआरडीओ सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है। इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद गोल यहां पे डिसाइड करेगा कि सर सीडीएस एफकैट सीएपीएफ जो गोल है ये डीआरडीओ तय करेगा। सर अभी सोचते हैं सर 5,700, सोचिए ना जब ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए जाते थे तो हम 500 रुपया महीना करके सर कितना पैसा दे देते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, बदले में लिखते लिखते हालत खराब हो जाता है। यहां पर पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन है, एवरीथिंग है। आप निराश नहीं होंगे अगर आप जुड़ते हैं रोहित सर के साथ, तो क्योंकि आपको पता है कि सर मैं दिल से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कितने मंथ का, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों 8,000 फी है डीआरडीओ का, एक साल का भी है ये, सोचो। तो क्या ये 8,000 देंगे क्या सर? क्यों देंगे 8,000, बाबा है ना, बाबा यानी बाबा टेन, बाबा टेन कोड यूज करना है। अप्लाई करेंगे 10% का रिबेट मिलेगा, रेफरल कोड, और फिर जो 8,000 होगा ये एसएससी का है। एसएससी का भी कोर्स हमारा आ रहा है 15 तारीख से, 15 अप्रैल से, तो वहां भी आप यूज कर सकते हो बाबा टेन जो बोल है वो एसएससी चुनना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये दिखाएगा कहाँ घटकर 7200, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई यूज कर सकते हैं, गूगल पे, फिर बाबा टेन के साथ जुड़ेंगे कहाँ, अनअकैडमी पे 10 अप्रैल को 11 बजे सुबह। तो मिलते हैं, और ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। कल हाजिर होंगे इसी का श्रृंखला टू लेकर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर में बने रहिए, कहीं बाहर नहीं निकलना है।